22x34 में बना हुआ एक सिंपल सा खूबसूरत सा प्लान है। आज हम आपको इसका पूरा डिटेल जानकारी देना चाहते हैं। सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, औसम हाउस प्लान्स को, और आने वाले समय में आपको और कंस्ट्रक्शन जुड़े जानकारी आपको मिलते रहेंगे हमारे इस चैनल पर। चलिए बात करते हैं इस प्लान के बारे में, इस दिशा के बारे में, और प्लॉट किस तरफ रोड है, कहाँ पर क्या जा रहा है, कुछ जानकारी हम देना चाहेंगे आज। जैसा कि देख सकते हैं साउथ की तरफ है रोड है, मगर क्या है इसका एंट्रेंस जो है ना, मेन दरवाज़ा जो है ईस्ट की तरफ लिया गया है। किस तरह से लिया गया है, जैसे कि ये सीढ़ी के नीचे से आप चले जाना, घर के अंदर जाना है तो भी यहाँ पर भी पैक है, इधर भी पैक है, एंड यहाँ पर भी पैक है। सिर्फ रोड जो है साउथ की तरफ है, साउथ तरफ गेट रहेगा, मेन डोर जो है आपके ईस्ट की तरफ लिया गया है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ से इसके नीचे से आप जाना पड़ेगा, नीचे से जाके ये पूरा आपका एरिया रहेगा, यहाँ तक यहाँ पर कोई मूवमेंट वगैरह कुछ भी नहीं। फिर यहाँ पर एक हॉल लिया गया जिसका साइज जो है 11x20x3 का एक हॉल है, और यहाँ पर जो है इसका सीटिंग और सोफा सेट वगैरह रखा गया। फिर यहाँ पर भी एक दरवाज़ा दिया गया, छोटा सा दरवाज़ा, ताकि गुड वेंटिलेशन हो सके, या फिर एक वेल बोरवेल के लिए जगह, पाइपलाइनिंग प्लम्बिंग के लिए जगह बनाया गया। इसका साइज जो है 11x20x3 का है, काफ़ी सफिशेंट है। यहाँ से एक बेडरूम को जाते हैं आप, 9x11 10x6 का एक बेडरूम आ जाएगा। यहाँ पर एक टॉयलेट रूम है, 9x4 का एक टॉयलेट रूम लिया गया। यहाँ पर एक वेंटिलेशन, इधर पीछे जो है 1.5 का जगह है। फिर देखिए यहाँ आप एंटर हो गए, एंटर होते ही इधर एक बेडरूम आ जाएगा, 9x12 का एक बेडरूम, और यहाँ पर एक टॉयलेट रूम है जिसका साइज जो है 9x4 का एक टॉयलेट रूम है। फिर यहाँ पर एक पूजा रूम लिया गया है 4x3 का, और यहाँ पर एक किचन, किचन का विंडो का साइज आप ले सकते हैं करीब 4x3 का लीजिए विंडो का साइज, ठीक है दोस्तों, वो बेहतर रहेगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट ये वाला पूजा रूम, इसका वेंटिलेटर का साइज जो है 2x1.5 का आप ले सकते हैं, थोड़ा डायगोनल लीजिए अच्छा रहेगा इक्वल में। इसको भी एक विंडो लिया गया है छोटा सा, फिर यहाँ पर एक विंडो बड़ा, इधर एक विंडो। आप जितना विंडोज़ ज़्यादा लेंगे उतना आपका पैसा ज़्यादा चले जाएगा, यह सच्ची बात है। ये वेंटिलेटर है यहाँ पर, इधर एक विंडो, यहाँ पर एक वेंटिलेटर लिया गया है। तो इस तरह का एक कंस्ट्रक्शन हो गया। फिर देखिए नेक्स्ट कॉलम पोजिशन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर एक कॉलम 2 3 4 5 6, और देखिए इधर एक थोड़ा सा इसमें मिसमैच हो रहा है, तो कॉलम किस तरह से लेना बोलकर, तो हम बात करते हैं उसके बारे में। 1 2 3 4, यहाँ पर 1 5 6 7, तो उसके बदले आप क्या करना, 1 2 3 सीधा इधर, 4 5 6 7 8 लेना इधर, 9, इसको एक 10 10 कॉलम ले सकते हैं। यहाँ पर इसको एक सपोर्ट कॉलम दे सकते हैं। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको पड़ सकता है करीब 14 से 16 लाख तक खर्चा आ जाएगा। मीडियम से मीडियम एक खूबसूरत बेहतरीन घर आप बना सकते हैं, और इस वीडियो को आप शेयर कर दे जाए ना, हमारा एक ब्लॉग है वहाँ पर आप देख सकते हैं awesomehouseplan.com, उस ब्लॉग पर आ जाके आप सर्च करिए, रिसर्च करिए क्या क्या हम करते हैं क्या नहीं, देख सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, हैव ग्रेट डे।